उत्तराखंड में नदियों के रौद्र रूप से अब आपदा का खौफ। ऋषिकेश में फिर भगवान शिव को छू रही गंगा। हरिद्वार में 20-21 जून को होने वाले गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के गंगा स्नान को प्रशासन ने रोक दिया। बॉर्डर से वापस भेजे जाएंगे यात्री, व्यापारी फिर हुए निराश। सड़क निर्माण में हो रही धांधली, खराब सामग्री का धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की शिकायत। उत्तराखंड के लालकुआ में राज्य मंत्री ने प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया, कारखानों को भी किया गया चेक। राशन डीलर उपभोक्ताओं की आंखों में झोंक रहे धूल, मुफ्त राशन देने में कर रहे आनाकानी। उत्तराखंड की खास खबरों की पेशकश। तेज बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। पहाड़ी हिस्सों से लेकर मैदान तक में नदियों का जल स्तर बढ़ने से लोग दहशत में आ गए। ऋषिकेश में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी होने के साथ ही तटीय क्षेत्र से लोगों को हटाया जाने लगा है। चमोली और श्रीनगर में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। रुद्रप्रयाग में भी ये दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं गौला बाजार के सभी गेटों को खोलकर नदी में 3800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया ताकि पानी की निकासी तराई के क्षेत्र में जा सके। वहीं पानी की निकासी होने से तराई क्षेत्रों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर अभी आने वाले समय में और बढ़ सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तीन जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं, अल्मोड़ा, चमोली, हल्द्वानी, जहां पर नदियां जो हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बहना शुरू हो गई हैं। अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश और होने की संभावना है, जिससे बाढ़ का खतरा एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में पैदा होने लगा है। बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन का भी खतरा पैदा हो रहा है, जिससे आवागमन बाधित हो जाएगा, वहां रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रुड़की में मालवीय चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता पर स्थानीय पार्षद और अन्य लोगों ने सवाल उठाते हुए विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय पार्षद नीतू शर्मा के प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने बताया कि कई वर्षों के बाद इस सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें ठेकेदार बिना गुणवत्ता के ही सड़क बनाने की लीपापोती कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस सड़क के बनने में ठेकेदार के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी सड़क की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि तारकोल की जो मोटी लेयर डाली जा रही है, उसमें तारकोल की मात्रा कम है, यदि हल्की बारिश होती है तो सड़क टूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नियमों का खुद अधिकारी मजाक उड़ा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार बिना मास्क लगाए निरीक्षण करने पहुंचे। उनका कहना है कि उन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं। तो खराब सामग्री एक तो लगा रहे हैं, ऊपर से लोक निर्माण विभाग के द्वारा बिना मास्क पहनने पर किस तरह की सफाई दी जाती है। कहा जाता है कि दोनों टीके लगवा लिए हैं, यानी कि अब सुरक्षित हो गए हैं, तो बिना मास्क के भी घूम सकते हैं। वहीं हल्की बारिश से भी जो सड़कें बन रही हैं वो फिर से खराब हो सकती हैं। उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री व सूबे के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उधम सिंह नगर जिले में प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। तो वहीं बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की जुबान फिसल गई और सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग की कार्य योजना से कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग में बड़े बड़े ठेके हैं, जिस कारण कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए अब छोटे ठेके किए जाएंगे जिससे कार्यकर्ताओं को लाभ मिल सके। निश्चित रूप में कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और कार्यकर्ता के काम करेंगे। मेरे पास कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि सिंचाई के अंदर बड़े बड़े ठेके हैं, छोटे ठेके होने चाहिए, तो हमने जो है अब कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं, उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले।
विकास नगर के पछवादून क्षेत्र में मई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्ड धारकों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है और साथ में नगद पैसे का भी राशन वितरित किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ राशन विक्रेता ग्राहकों को भ्रमित कर फ्री का राशन तो दे रहे हैं लेकिन नगद मिलने वाला राशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि राशन विक्रेताओं की मंशा रहती है कि ग्राहकों को नकदी राशन ना देकर उस राशन का कालाबाजारी करने के फिराक में राशन डीलर रहते हैं। जब इस बारे में मीडिया के लोगों ने राशन उपभोक्ताओं से जानकारी ली तो उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्हें फ्री का राशन तो दिया गया लेकिन सरकार द्वारा उपलब्ध नगद राशन के लिए राशन विक्रेता आए दिन टाल मटोला करते रहते हैं और राशन उपभोक्ता ने डीलरों पर यह भी आरोप लगाया है कि हमें यूनिट के हिसाब से राशन भी कम दिया जाता है। देखिए इस समय जो राशन बट रहा है आपका, एक तो हो गया हमारा रेगुलर NFS से अंत्योदय, वो तो हमारा जो है 5 किलो पर यूनिट बांटा जा रहा है, जैसे 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल है और इसी का जो है एक फ्री का भी राशन बांटा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, इसके तहत भी 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ दिया जा रहा है। इसके तहत बाकी जो स्टेट फूड योजना का SFI राज्य खाद्य सुरक्षा बोलते हैं जिसे, इसके जबरेडा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल और नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी मानवेंद्र के बीच चल रही खींचतान अब खुले रूप से सामने आ गई है। रुड़की के प्रीत विहार कॉलोनी स्थित अपने आवास पर विधायक की पत्नी विजयंती माला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि विधायक द्वारा जबरेडा क्षेत्र के लिए कई विकास कार्य पास करवाए गए लेकिन नगर पंचायत जबरेडा अध्यक्ष चौधरी मानवेंद्र सिंह ने सभी कार्यों में अड़चन पैदा की। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में विधायक निधि से खर्च होने वाले 1 करोड़ रुपए को नंप अध्यक्ष अपने भाई के निजी अस्पताल में खर्च करने का दबाव बना रहे थे लेकिन जब विधायक नहीं माने तो उन्होंने कुछ लोगों को आगे लाकर भक्तोवाली में गाली गलौज करवाई। विधायक की पत्नी का आरोप है कि विधायक ने मुख्यमंत्री से जबरेडा में भरत सिंह स्टेडियम की घोषणा करवाई लेकिन कॉलेज अध्यक्ष चौधरी कुलवीर सिंह ने इसमें अड़चन डाली। आरोप लगाया कि बस अड्डा मुख्यमंत्री से स्वीकृत कराया गया था जिसके लिए भूमि नगर पंचायत को उपलब्ध करवानी थी लेकिन उन्होंने बस अड्डे की भूमि का उपलब्ध नहीं करवाई जिसके कारण वो कार्य भी अधर में लटका है। वाली जो PSC है उसको लेकर कोई जनहित याचिका किसी अभिषेक द्वारा डाली गई है विधायक जी के, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये जो बोखलाहट है ये विधायक जी की लोकप्रियता को लेकर है, ये विधायक जी के विकास कार्यों को लेकर है क्योंकि जितने विकास कार्य विधायक जी ने इन 4.5 साल में कराए हैं पिछले 10 सालों में इतने विकास कार्य नहीं हुए। के माध्यम से आज पता चला है कि किसी ने PSC दाखिल की है भक्तोवाली की PSC को की बदहाली को लेकर, तो मैं कहना चाहता हूं कि PSC में पहले फार्मासिस्ट ही मरीजों को देखते थे क्योंकि इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। जब वहां पर कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर की आवश्यकता हुई माननीय विधायक जी ने CM पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश में बीती रात गंगा का जलस्तर चेतावनी पर पहुंच गया। वहीं लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर सुबह खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। मिली जानकारी के अनुसार यूं ही बारिश लगातार होती रही तो गंगा का जलस्तर भी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर भी आ गई है। गंगा तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अनाउंसमेंट कर सतर्क रहने को कहा जा रहा है। साथ ही अति प्रभावित क्षेत्रों को खाली कर अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। हरिद्वार में 20-21 जून को होने वाले गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के गंगा स्नान को प्रशासन ने सांकेतिक कर दिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों से बात करके यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए 19 जून की शाम से जिले के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और गंगा स्नान के लिए आने वाले आम श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोविड कर्फ्यू की SOP के अनुसार 72 घंटे के भीतर की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोग हरिद्वार आ सकेंगे। हालांकि हर की पौड़ी पर आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे। हरिद्वार के SSP ने बताया कि सभी स्थानीय लोगों से अपने आवास के गंगा घाटों पर स्नान करने की अपील की जा रही है। थाना भादराबाद इलाके में हुई हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने SSP
सेनिथल अबुदई कृष्ण राज के नेतृत्व में खुलासा कर दिया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिनांक 15 जून को रोहलकी अंडरपास रोड स्थित सत्य गैस एजेंसी के पास अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान रोहित निवासी इब्राहिमपुर के रूप में हुई थी। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया गया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। मुखबिर की सूचना पर मिलिट्रिक ग्राउंड के पास से शुभम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी के मुताबिक मृतक रोहित का दोस्त है, उसने रोहित के साथ पहले शराब पी, फिर घर छोड़ने के बहाने उसे ले जाकर मक्के के खेत में उसकी हत्या कर दी। ये जो 15 तारीख सुबह हमारा थाना बादराबाद में सूचना मिली थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी जो है रोहल के अंडरपास के पास खेत में पड़ी हुई करके, तत्काल रूप से हम सब लोग मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया है। उसमें एक पुरुष का डेड बॉडी है, उसका मर्डर करके उधर फेंका गया था, तो उसमें तत्काल रूप से हमने टीम गठित करके कार्रवाई करी। इसमें कल जो है हमें सफलता मिली, इसमें जो है मेन उत्कृष्ट शुभम जो है ये बादराबाद में नायिका काम करता है, ये इब्राहिमपुर में जो ये मृतक है रोहित, इनका दोस्त है रोहित, आजकल देहरादून में काम कर रहा है। वो 14 तारीख रात को जब बादराबाद आए थे, दोनों का मुलाकात हुई, फिर ये पार्टी करने के चक्कर में शराब लेके वहाँ दारू पी रहे थे। जो रोहित के पास पैसा था उससे लालच होकर शुभम ने जो है इनको मर्डर कर दिया। भारी बारिश और लघु जल विद्युत निगम उर्गम की लापरवाही के कारण हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लघु जल विद्युत परियोजना की नहर है। कल्पगंगा में नदी का जल स्तर बढ़ने और नहर के रिसाव होने के कारण मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया है, जिसको खोलने में एक माह से अधिक समय लग सकता है। सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से जगह जगह लोगों के वाहन फंस गए। बता दें कि बार बार उर्गम घाटी के ग्रामीण नहर के रिसाव की शिकायत कर रहे थे, लेकिन पावर हाउस के अधिकारियों ने कभी भी संज्ञान नहीं लिया। साथ ही उर्गम घाटी के ग्रामीणों ने पावर हाउस जल विद्युत परियोजनाओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कल रात की भारी बारिश के कारण हिलंग उर्गम मोटर मार्ग पूरी तरह तबाह हो चुका है। किलोमीटर 5 से जगह जगह हिलंग उर्गम मोटर मार्ग बुरी तरह टूट चुका है। लगभग इस सड़क को खोलने में अभी 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि सड़कें बुरी तरह तबाह हो चुकी है। कल रात की भारी बारिश और जो हिलंग उर्गम लघु जल विद्युत परियोजना है, उसकी नहर के रिसाव के कारण पूरी तरह सड़क बर्बाद की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि इस सड़क के तबाही होने के पीछे उर्गम पावर हाउस की चमोली क्षेत्र की लोगों की सालों पुरानी मांग पर थराली तहसील से पृथक होकर सन 2015 में स्थापित तहसील नारायण बगट को आज भी अपने एक सुरक्षित भवन का इंतजार है। राजनीतिक फायदों के लिए नई तहसील की घोषणा तो कर दी गई और उसकी काम चलाऊ स्थापना भी कर दी गई, लेकिन किसी भी नेता ने ऐसा नहीं सोचा कि इसके लिए एक सुरक्षित भवन भी चाहिए। हम सुरक्षित भवन की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में जिस स्थान पर तहसील कार्यालय संचालित किया जा रहा है, उस स्थान को कोई भी सुरक्षित नहीं कह सकते हैं। ये स्थान हर समय खतरे में ही रहता है। देखिए, यहाँ पर जो तहसील का अस्थायी भवन है, ये भी अब कानूनगो चौकी में चल रही है और 2015 में तहसील सृजित की गई थी, तब से अभी इसी अस्थायी परिसर में चल रही है। और यहाँ पर 2013 में जो आपदा आई थी, उससे काफ़ी भू कटाव हुआ है और नीचे जो है बाल विकास का भी कार्यालय था, वो भी जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और यहाँ मुश्किल से जो तहसील कार्यालय है, तहसील कार्यालय से मुश्किल से 15 मीटर की दूरी पर अभी नदी बह रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा पहले भी प्रयास किए गए हैं कि जो तहसील का स्थायी भवन बनने के लिए प्रस्ताव दिया गया है और उस प्रस्ताव को जिला कार्यालय भेजा गया। नमस्कार, क्रांति के लिए मैं सुरेंद्र रेंद्रा वर्तमान में नारायणगढ़ तहसील के परिसर में हूँ। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पीछे पिंडर नदी का बहाव आप देख रहे हैं, ये तहसील 2016 में यहाँ पे स्थापना की गई थी। तब के जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और तब से ये जो तहसील है यहाँ पे संचालित की जाती है। ये कानून को चौकी के भवन पर संचालित की जा रही है और तब से यहाँ पर जो लगातार मांग की जाती रही है कि तहसील भवन का जो निर्माण हो, इसके लिए जो जिलाधिकारी के लिए यहाँ भूमि का जो उद्यान विभाग की भूमि है, वो उसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन 2020 में जिलाधिकारी चमोली ने
वो वैज्ञानिकों को निर्देश दिए थे कि वो उद्यान विभाग की भूमि का भूगर्भीय सर्वेक्षण करके जानते हैं, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी, एक साल से ऊपर का समय गुजर जाने के बाद भी आज भी भूगर्भीय वैज्ञानिक न तो यहाँ पे आया, न उन्होंने कोई आंखें दी। इस ढंग से जो तहसील भवन का जो परिसर का निर्माण होना है वो आज भी अधर में लटका हुआ है, और कल से जो लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, मानसून का भी शुरुआती दौर है। आज जो दो दिनों की बारिश से जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है, 2000 तरह की घटना याद आती है। जो हमारे पीछे यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, हमारे पीछे जो यहाँ पे बाल विकास विभाग का कार्यालय हुआ करता था, 2000 तरह की जो आपदा हुई थी, बिल्कुल नदी की चपेट में और नीचे से पूरा खोखला हो चुका है। यहाँ पे बहुत मुश्किल 10 मीटर की दूरी पे तहसील परिसर है, और इस पर कभी भी इस बाढ़ की चपेट में आ सकता है, जो जिस ढंग से पिंडा नदी का जो जल स्तर है। और इसलिए सभी चाहते हैं कि नई तहसील जो परिसर है उसका निर्माण हो। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में पर्यटन, तीर्थाटन एवं सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि आज हरिद्वार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर अधिकारियों से ये पहली बैठक है। बता दें कि इस बैठक में हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। इसमें हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि खोजने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया था। अब इसमें सिंचाई विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी संभावित भूमि का मौके पर मुआयना भी करेंगे। विभाग की दृष्टि में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात है, हम उसका समर्थन करते हैं, और हमने अपने सुझाव दे दिए हैं जो जो जगह जहां पर एयरपोर्ट बनना अच्छा रहेगा और हरिद्वार जिले के लिए भी लाभकारी होगा, वो सुझाव हमने लिखित में भी दे दिए हैं और बैठक के अंदर भी दे दिए हैं। उसमें मैंने बहुत सारे गाँव उनको बताए हैं, डालूवाला कला, मजरतापुर और हद्दीपुर और मानुवास, ये इस तरह का इब्राहिमपुर मसाई की लंबी बैठ है जो 6-7-8 किलोमीटर दूरी पर, उसके लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए, तो वो पर्याप्त भूमि है। और इसमें हमारे एविएशन डिपार्टमेंट के और हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं जाएंगे मौका मुआयना करने, और जो भी संभावित लैंड होगी उसको देखेंगे, उसका मौका मुआयना करेंगे, और उसके बाद हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, प्रपोजल बनेंगे, प्रपोजल बनने के बाद फिर वो हमारी कैबिनेट में पास होंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। तो आज हमारी पहली बैठक है ये, जिसमें कि हमने ये निर्देश दिए हैं कि सभी प्रतिनिधि जो हैं एविएशन के और हमारे अधिकारी लोग जाएं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ विकासनगर में हर्बर्टपुर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आप नेत्री डिंपल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की तीरथ सरकार वर्धमान जन विरोधी और आस्था विरोधी सरकार है। कुंभ जैसे पवित्र आयोजन को भी भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया गया है। आपदा में भी अवसर तलाश कर ये सरकार केवल अपने खजाने भरने में लगी है। आज तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे जब हो गए थे, उस पर सरकार हर तरह से फेल हुई है। बेरोजगारी 6 गुना बढ़ गई है। कोरोना से निपटने में भी ये सरकार फेल है, साथ ही व्यापारी वर्ग भी इस सरकार से हताश हो चुका है। रुड़की के विनय विशाल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने डॉक्टर विनय गुप्ता को कोरोना योद्धा के रूप में शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने कहा कि इस समय संसार में कोरोना महामारी चल रही है, और इस कोरोना काल में जिस प्रकार से डॉक्टर विनय गुप्ता गरीब जरूरतमंद लोगों और को निस्वार्थ भाव से चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक डॉक्टर विनय गुप्ता ईमानदारी के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी निर्वहन कर रहे हैं। मैं सुभाष कुमार जी का भी आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जो है हमारे वर्ग को सराहा और हमें ऑनर किया है। मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों का वैसे सुभाष कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने हमें हमारा उत्साहवर्धन किया। अरे रुड़की में कोई सुविधा नहीं थी, इन्होंने डॉक्टर साहब ने आगे बढ़कर इस देहात क्षेत्र को, सारा रुड़की शहर के एरिया को आगे बढ़कर यहाँ इन्होंने कोरोना मरीजों का इलाज किया। उन्होंने सच्ची सही सेवा दी, सच्ची सेवा करी, ये इसके मानता का काम करा। जीवन ही सबसे बड़ा, जीवन बचाना ये बहुत बड़ा मानता का कार्य है। जीवन सेवा करी, सच्ची सेवा करी निष्ठा से, लगन से, और हर टाइम ये 24 घंटे इनके यहाँ दरबार खुले रहे मरीज। और लालकुआ में अचानक आए तेज बहाव के कारण दो युवक नदी पार बने टीले पर ही फंस गए। फायरमैन सर्विस और कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को रेस्क्यू कर निकाला। दोनों ही युवक हल्दू चौर निवासी हैं। बता दें कि नदी में लालकुआ कोतवाली क्षेत्र हल्दू चौर निवासी दो ग्रामीण गौला नदी पार गए थे।
उनके पार जाते ही गौला नदी का पानी तेज हो गया, जिसके कारण दोनों ही नदी पार बने टीले पर ही फंस गए। जब दोनों के टीले पर फंसे होने की सूचना पुलिस को दी गई, तब मौके पर पहुंची एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने दोनों युवकों को सकुशल निकालने का प्लान बनाया, जिसके बाद फायर सर्विस टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद दोनों युवकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। आज लालकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गौला पार है, एक सूचना मिली कि दो व्यक्ति गौला नदी के उफान में फंस गए हैं। एक टापू के बीच में फंस गए थे। इस सूचना पे तुरंत लालकुआ पुलिस पहुंचे, मौके पे क्षेत्राधिकारी लालकुआ, उन्होंने फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस की टीम की मदद से इन दोनों ही व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया। ये स्थानीय निवासी हैं, जिनका नाम हेमंत और दीपक है। ये किसी काम से गए थे। मौके पे जब पहुंचे हैं तो क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया, जिसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण नवयुवक दीपक के द्वारा और फायरमैन जितेंद्र के द्वारा बहुत शानदार काम किया गया। इन्होंने बहते हुए पानी का जो उफान मार रही थी नदी, उसकी परवाह ना करते हुए इस नदी को पार किया, उन दोनों ग्रामीणों तक पहुंचे। और लालकुआ में पहली बार राज्य मंत्री रेखा आर्य पहुंचे। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट सहित कारखाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुग्ध बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक की। आगे उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ साल से कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में कई विकास कार्य रुक गए थे, जिनको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही देहरादून जाकर इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय जनपदों के दुरुस्त इलाकों में दूध समितियों में दूध उत्पादों को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा कि इसको दूर करने के लिए जिला योजना के तहत कार्रवाई की जाएगी। कि वहाँ पर जो दुग्ध सहकारी समितियाँ होती है वो काफ़ी दूरस्थ होती हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो है वो होता है, जिसको कि जिला योजना के माध्यम से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके लिए दिक्कतें खड़ी रहती हैं। तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है हम लोग प्रयास करेंगे, जिला योजना के माध्यम से भी हमारा प्रयास रहता है और स्टेट की तरफ से भी हम लोग प्रयास करेंगे इसमें हम लोग अधिक से अधिक। ज्वालापुर में पुलिस शातिर चोरों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर चोरों के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस हिरासत में चोरी में से पूछताछ भी कर रही है चोरों से। जनपद रुद्रप्रयाग में पिछले दो तीन दिनों से हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, जहां ग्रामीण इलाकों से यातायात संपर्क बंद हो रहा है, तो दूसरी ओर अलकनंदा नदी व मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। धीरे धीरे ये जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार के साथ पूरी टीमें रात भर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। रुद्रप्रयाग में नदी तट पर बने घरों में पानी आने से ये यहाँ रह रहे लोगों को घर खाली करवा दिए गए हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश में बीती रात गंगा का जलस्तर चेतावनी पर पहुंच गया। वहीं लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर सुबह तक खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। मिली जानकारी के अनुसार यूं ही बारिश लगातार होती रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे खतरा पैदा होना सुनिश्चित है। कोरोना महामारी के बाद पहाड़ों में अब बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है। नॉनस्टॉप हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर चमोली के पास क्षेत्रपाल में पहाड़ों में बोल्डरों के गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हुए। चालक और दूसरे लोगों ने कूद कर अपनी जान बनाई। कर्णप्रयाग गैरसैंड मोटर मार्ग पर भी मलबे में कई गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते पिंडर नदी अपने उफान पर है, जिसके कारण यहां रहने वाले एक युवक का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घर में रखा सारा सामान मलबे में बह गया। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं घटना पर उप जिलाधिकारी ने बताया कि समय रहते ही मिली सूचना पर राजस्व टीम को गाँव भेजकर सभी ग्रामीणों को घर से दूसरी जगहों पर भेज दिया गया और सभी लोगों को सुरक्षित परंतु मकान में बहने की कगार पर है।
लगातार हो रही बारिश पिछले दो दिनों से जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। जिले में जहां जगह जगह भूस्खलन के कारण सड़कों के टूटने की खबरें आ रही हैं, जिस कारण स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं नगर में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ना होने से जगह जगह पानी भरने से भूमि कटाव होने लगा है, जिस कारण कई घरों को खतरा बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो भारी तबाही हो सकती है। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।